मछली शहजादा। एक वक्त का किस्सा है। एक बहुत ही दूर सल्तनत में एक बादशाह और एक मलिका रहते थे, जिनके पास तमाम कायनात की खुशी थी सिवाय एक के। अल्लाह हमें एक औलाद की खुशी कब देगा पता नहीं। जी हाँ, शाही जोड़े को कोई संतान नहीं थी और मलिका हर दिन दुआ करती एक औलाद के लिए। एक दिन शाही रसोई में कुछ मछलियाँ लाई गई थीं और उन्हें बादशाह और मलिका के लिए तैयार किया जा रहा था, तभी अरे वाह, कितनी खूबसूरत मछली है। ए रहमदिल जनाब, मेरी जान पर रहम खाइए। ये क्या, तुम बोल सकते हो? वाजवान बहुत ही लालची था। उसने फौरन सोचा कि यदि वो एक बोलते हुए मछली को मलिका को दे देगा तो बदले में उसे इनाम यकीनन मिलेगा, और इस तरह शशिधर मलिका को वो बोलता हुआ मछली दिया गया। क्या ये एक मौजजा है? या तुम ये कह सकती हो कि तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई है? मलिका की आंखों में आंसू आ गए और वो बेइंतहा खुश हो गईं। उन्होंने वाजवान को बहुत बड़ा इनाम दिया और उसके बाद वो मछली के साथ काफी वक्त गुजारने लगीं। जानते हो, मुझे हमेशा से एक औलाद की ख्वाहिश थी, पर मुझे लगता है मेरी दुआ कबूल हो गई है। आज से तुम ही मेरे बेटे हो और अब से तुम्हारा नाम होगा मछली शहजादा। शुक्रिया अम्मी। कई दिन गुजर गए और मलिका अपने गोद लिए हुए बेटे से बहुत खुश थी। सल्तनत में सभी लोगों को ये बहुत ही बदी सी लगता था, पर किसी ने भी हिम्मत नहीं की इसके बारे में गुफ्तगू करने की। पर एक सुबह हुआ यूं कि जब मलिका नींद से जागी तो हैरान रह गईं ये देखकर कि मछली शहजादा अपने बोल के लिए बहुत बड़ा हो गया है। कनीज़ो! मलिका ने मछली शहजादे के लिए एक और भी बड़ा बोल तामीर करवाया, पर फिर भी कुछ दिनों के बाद वो उस बोल के लिए भी और बड़ा हो गया। आखिर में मलिका ने उसके लिए एक बड़ा सा टैंक बनवाया, जिसे शाही बाग में मसनद नशीन किया गया था। मछली अपने नए घर से बहुत खुश था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे लिए कुछ भी मेरे बेटे। बादशाह और मलिका के लिए सब कुछ बिल्कुल दुरुस्त चल रहा था कि एक दिन मलिका ने देखा कि टैंक में किसी भी तरह की हलचल नहीं है और मछली शहजादा बहुत गमगीन लग रहा है। उसके रंगीन पंख फीके लग रहे हैं और चेहरा लटका हुआ है। ओह मेरे प्यारे बच्चे, क्या बात है? क्या तुम्हें अब ये टैंक पसंद नहीं आ रहा? ऐसी बात नहीं है अम्मी, मेरी ख्वाहिश है कि मेरी भी एक बीवी हो जो हमेशा मेरे साथ रहे, क्योंकि मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। मलिका इस बात से थोड़ा हैरान सी रह गई, पर वो अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी और उसे गमगीन नहीं देख सकती थी। तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें गमगीन होने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। मैं फौरन तुम्हारे लिए एक बीवी तलाश करती हूँ और तुम्हारे टैंक में ही एक कमरा तामील करती हूँ। और इस तरह मलिका ने शहजादे के लिए टैंक में एक अलग सा कमरा तामील किया और हुक्म का फरमान दिया गया कि जो भी मछली शहजादे के लिए अपनी बेटी एक बीवी के तौर पर देगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। पर मछली शहजादे के लिए बीवी तलाशना इतना आसान नहीं था। सिपाही जिस किसी के पास जाते वो मलिका के नजराने को इनकार कर देते, क्योंकि वो खौफजदा थे कि मछली शहजादे को बीवी खाने के लिए चाहिए। आखिर में 21वें दिन शाही वजीर का एक ऐसे घर में इस्तकबाल हुआ जहाँ एक मुजीर खातून अपनी सगी और सौतेली बेटी के साथ रहती थी। जब उसे मलिका के नजराने के बारे में पता चला तो वो फौरन मान गई। बहुत खूब, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मेरी सौतेली बेटी बहुत ही खूबसूरत है और मछली शहजादे के लिए एक बीवी के तौर पर बिल्कुल दुरुस्त रहेगी। इनाम लेकर कल आना और आप इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। वजीर खुश हो गया, उसने उस खातून को शुक्रिया कहा और वहाँ से चला गया। उस मुजीर खातून ने नजराने के बारे में जब अपनी सौतेली बेटी को बताया तो वो बेचारी लड़की आलिया रोने लगी। नहीं अम्मी, ऐसा मत करिए, मछली शहजादा मुझे खा जाएगा। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं, मुझे पैसों की जरूरत है और तुम मेरे हुक्म की तामीर करोगी। अब नदी पर जाओ और अपने कपड़े धो लो, मैं चाहती हूँ कि कल तुम बहुत खूबसूरत लगो। आलिया अपने कपड़े लेकर नदी पर चली गई, जहाँ वो बहुत रोई।
उसे रोता हुआ सुनकर उसका दोस्त जो एक सात मुंह वाला नाग था बाहर आया। क्या बात है आलिया, तुम रो क्यों रही हो? आलिया ने उसे सब कुछ बताया और फिर उसके उस दोस्त ने कहा, मुझे उस बारे में पूरी तरह इल्म है, मत रो। मेरे घर के बाहर जो तीन संग्रेजा पड़े हैं उन्हें उठाकर अपने पास रख लो। जब तुम उस मछली शहजादे को अपने पास आते हुए देखोगी तब पहला संग्रेजा उस पर फेंकना। अगर उसे वो लगेगा वो टैंक के नीचे डूब जाएगा। जब वो वापस ऊपर आएगा उस पर दूसरा संग्रेजा फेंकना और फिर इसी तरह वो नीचे डूब जाएगा। तीसरी बार संग्रेजा को उसके ऊपर फेंकना और वो मछली से एक खूबसूरत जवान शहजादे में तब्दील हो जाएगा। ओह, तो इसका मतलब वो असल में एक मछली नहीं है? वो एक बादशाह का बेटा है और उसके भाई और उसकी भाभी ने मिलकर उस पर एक दिलरुबाई नाजिल किया हुआ है, पर अगर तुम मेरे कहे मुताबिक करोगी तो उस दिलरुबाई को तोड़ पाओगी। ओह, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर आलिया ने अपने आंसू पोंछ लिए और वजीर के साथ चली गई और वहाँ महल में उसे उसका छोटा सा कमरा दिखाया गया जो उस टैंक के अंदर ही था जहाँ मछली शहजादा रहता था। तुम मेरे बेटे के लिए एक उम्दा बीवी साबित होगी, मैं जानती हूँ। आम तौर पर आलिया इस बात से काफी खुश होती क्योंकि सभी लोग उससे बहुत किस्म थे, पर ये सोचकर वो खौफ ज़दा हो जाती जब उसे इल्म होता कि उसे इस ठंडे से अंधेरे कमरे में रहना पड़ेगा और शायद वो मछली शहजादे पर संग्रेजा नहीं फेंक पाएगी। पर फिर भी वो कमरे में बैठकर हाथ में संग्रेजा लिए इंतजार करती रही। लोग दिल थाम कर बैठे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मछली शहजादा किसी भी वक्त ऊपर आकर उस बेचारी लड़की को खा जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मछली शहजादा एक बार भी सतह पर नहीं आया। लोग इंतजार करके ऊब चुके थे और वो चले गए और फिर आई वो सर्द अंधेरी रात। खामोशी सी छाई थी, सिर्फ और सिर्फ टिड्डियों की आवाज सुनाई दे रही थी कि अचानक पानी के सरसराने की आवाज आई और टैंक में हलचल होने लगी। आलिया खौफ ज़दा लग रही थी। उसने देखा एक बड़ी सी मछली सतह पर तैरते हुए आ रही है और उसका बड़ा सा मुंह खुला हुआ है। वो सर से पांव तक कांपने लगी और उसने अपना पहला संग्रेजा फेंका जो सीधे मछली के हलक के अंदर जा गिरा। वो फौरन ही नीचे डूब गया, पर दो तीन मिनट के बाद ही वो फिर से सतह पर आ गया। फिर आलिया ने दूसरा संग्रेजा फेंका जो सीधे जाकर मछली शहजादे की पेशानी पर लगा और फिर से दूसरी बार वो नीचे डूब गया। इस बार मछली शहजादा काफी देर तक ऊपर सतह पर नहीं आया, लेकिन जब आया तो गुस्से में आग बबूला था और वो आलिया की तरफ तेजी से आ रहा था। आलिया इतनी बेचैन हो गई कि तीसरा संग्रेजा मछली शहजादे को चूक गया था क्योंकि संग्रेजा सिर्फ उसके पंख के ऊपर के हिस्से को छू पाया। अब की बार मछली शहजादा नहीं डूबा बल्कि एक खूबसूरत शहजादे में तब्दील हो गया। तुमने मेरे दिल रुबाई को तोड़ दिया। ओह, मुझे खुशी है कि अब तुम एक मछली नहीं रहे। और मुझे खुशी है कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। चलो अब बाहर चलते हैं, हम बाहर की दुनिया का लुफ्त और धूप का मजा ले सकते हैं और हमें इस टैंक में रहने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही सूरज गुरूब हुआ एक नए दिन का इस्तकबाल करते हुए एक नई मोहब्बत की कहानी की शुरुआत हुई। शहजादा सुनहरे कपड़ों में खूबसूरत लग रहा था। आलिया का हाथ थाम कर वो मलिका के पास गया उनसे गुफ्तगू करने। मलिका ने शहजादे की कहानी सुनी तो खुश हो गई और उसने उसे गले से लगा लिया। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक मछली थे क्योंकि तब भी तुम मेरे बेटे थे और अब भी मेरे बेटे ही हो। शुक्रिया अम्मी, हर चीज के लिए आपका शुक्रिया। और इस तरह बादशाह और मलिका ने शहजादे और आलिया को फजले रब दिया। एक बड़ी शादी का इंतजाम किया गया और सभी सल्तनत के शहजादे और शहजादियों को दावत पर बुलाया गया। आप पूछेंगे उस इस्तकबाल के साइन बोर्ड पर क्या लिखा था? मछली शहजादे का निकाह उसके ख्वाबों की बिंतुल बहार से। और हाँ, वो हमेशा राजी खुशी रहने लगे।